वीडियो स्टार्ट करते हैं जेरेमी की अपडेट के साथ। और अब जेरेमी अपने फोकस को, अपने एफर्ट्स को, अपनी ट्रेनिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर पुश कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली से पार्ट करके पहुंच गए हैं डेनवर कोलोराडो में वॉटी वॉटी, जो कि उनके कोच हैं, उनके कैंप में। और अब वो डेनवर में ही रहकर ट्रेनिंग करेंगे नेक्स्ट 9 वीक्स पूरी तरह से अपने कोच के साथ। सो ऑलमोस्ट हर एक सेशन में वॉटी वॉट उनको ट्रेन करते हुए दिखाई देंगे, उनके साथ ट्रेनिंग में एडजस्टमेंट्स करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब ये टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है और बहुत ही क्लोज आ गया है अपनी स्पीड को, अपनी प्रेप को पुश करने के लिए। जेरेमी ने बताया कि उनको एक अलग ही फोकस चाहिए टू गिव इट व्हाटएवर इट टेक्स। सो इवन दो वो अपनी फैमिली से अब सिर्फ मिस्टर ओलंपिया के 15-16 दिन पहले ही मिलेंगे, बट ही इज रेडी फॉर दिस चैलेंज। और यहाँ पर फिर अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम हमने जेरेमी को चेस्ट ट्रेन करते हुए देखा। नहीं तो मुझे लग रहा था कि सभी एथलीट्स एरिन बैंक्स के बाद अब बस बैक को ही ट्रेन करते हैं। एंड सबसे ज्यादा इस ट्रेनिंग के दौरान जो चीज स्टैंड आउट कर रही थी वो थी जेरेमी बोंडिया का चेस्ट। आई मीन ना सिर्फ इनके डेल्ट्स पर अभी से फाइबर्स विजिबल थे, साथ ही जेरेमी का चेस्ट भी गाइस वॉज लुकिंग इनसेन। इस तरह की डेंसिटी, इस तरह की थिकनेस जेरेमी के चेस्ट में या फिर मैन्स फिजिक के लाइनअप पर किसी के भी चेस्ट में मैंने नहीं देखी इससे पहले। लुक एट दिस गाइस, लोगों का अपर चेस्ट वीक होता है, इवन कई टॉप के एथलीट्स का भी अपर चेस्ट माइनर से लैक करता हुआ ही लगता है, बट जेरेमी का, जेरेमी के साथ तो इसका उल्टा है। जेरेमी का तो अपर चेस्ट सुपर डेवलप्ड है, इंक्रेडिबली डेवलप्ड। किस तरह से भरा हुआ है ये अपर चेस्ट का पोर्शन, देखो जेरेमी को कम आंकना तो ऑलमोस्ट सबके लिए ही एक गलती होगी, क्योंकि जो इंसान 4 बार प्रूव कर चुका हो और मेंस फिजिक का सबसे ज्यादा टाइटल विनर इन एक लेगेसी क्रिएटर हो, उसे आप ऐसे बोलोगे कि जेरेमी टॉप 10 भी नहीं आएंगे, जेरेमी टॉप 5 भी नहीं आएंगे, तो आई थिंक ये बहुत ही बचकानी सी बात है। जो भी ऐसा सोचता है उसने को ट्रेन करते हुए नहीं देखा। देखो जीतने का तो मैं अभी भी नहीं कहूंगा, एनीथिंग इज पॉसिबल, ये बात तो है, अभी 9 वीक्स बाकी हैं और जीतने का तो मैं उसके बाद भी नहीं कह सकता, बट टॉप 5 फिनिश एक बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है जेरेमी के लिए। और आपने अगर जेरेमी की इससे पहले की प्रेप देखी है तो आप समझोगे इस बात को अच्छे से, और जिसने भी नहीं देखी गाइस वो बिलीव तो करेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी बोल लो कि किस तरह से जेरेमी खुद को पुशिंग करते हैं प्रेप में। जेरेमी की इंटेंसिटी, जेरेमी का फोकस आप वही निक वॉकर वाला ही समझो इस टाइम पर, अपनी तरफ से ये 100% से भी ज्यादा देते हैं। और जब आप इतना करोगे ना, सो यू आर गोइंग टू मूव माउंटेन्स। सो टॉप 5 टॉप 3 डेफिनेटली मैं जेरेमी को क्रैक करते हुए देखता हूँ। और नेक्स्ट अपडेट है एरिन बैंक्स की, जो यहाँ पर पूरी तरह से एक समुराय लग रहे हैं। एंड क्या आप लोग गेस कर सकते हो एरिन बैंक्स की वेस्ट का साइज इस टाइम पर कितना है? तो गाइस एरिन बैंक्स की वेस्ट इस टाइम पर है 27.7 इंचेस, यानी कि 28 इंचेस की भी नहीं है अभी ये वेस्ट। और क्रिजो के आर्म्स का साइज क्या है? 25 इंचेस। तो एरिन बैंक्स की वेस्ट से सिर्फ 2 इंचेस स्मॉलर माइकल क्रिजो के आर्म्स हैं, है ना बहुत ही अजीब बात। और इतना ही नहीं गाइस, एरिन बैंक्स बोल भी रहे हैं कि नेक्स्ट 5 वीक्स में उनका टारगेट है कि 3 इंचेस और कम करना इस वेस्ट को। अब मैन 27.7 इंचेस में से 3 इंचेस और कम कर दो तो सीधा सीधा बचेगा सिर्फ और सिर्फ 24.7 इंचेस, यानी कि क्रिजो के बाइसेप साइज से भी कम और निक के तो आर्म्स के बराबर। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतनी कम वेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि व्हेन आई वाज वेरी लीन 26 इंचेस की वेस्ट तो मेरी भी थी, बट इस मैसिव फ्रेम पर 24.7 इंचेस तो एक बहुत ही अनरियलिस्टिक सी बात लगती है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने चैलेंजेस को फेस नहीं करता बट फिनिश ही कर देता हूँ, एंड मैं हूँ तुम्हारा सेंसाई। सेंसाई वर्ड यानी कि जापानीज लैंग्वेज में एक मास्टर एक ट्रेनर को बोलते हैं। तो अब ये एरिन बैंक्स किसको बोल रहे हैं ये आप खुद ही सोच लो, बट ये तो पक्का है कि एरिन ने मेंस फिजिक डिवीजन को घोल कर पी लिया है। प्रपोर्शंस बिल्कुल ही इनसेन कर लिए हैं इन्होंने अपने आप के कि नो वन कैन मैच हिम। ये लैट्स देखो कैसे बाहर आते हुए दिख रहे हैं, और नीचे जाकर वेस्ट तो एकदम ही टेपर्ड होती जा रही है। दिस शोल्डर टू वेस्ट रेशियो दिस इज जस्ट इनसेन एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड। और इस चीज में, इस रेशियो में एरिन को सिर्फ और सिर्फ जेरेमी मैच कर सकते हैं। नाउ मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जेरेमी कैन बीट एरिन, वो तो एक अलग ही कॉन्वर्जेशन है जो हम इस चैनल पर बार बार करते ही रहते हैं। मतलब तो मेरा यहाँ पर यह है कि जेरेमी इज ऑलवेज नोन फॉर हिज प्रपोर्शंस, किस तरह से क्रेजी शोल्डर टू वेस्ट रेशियो वो लेकर आते हैं और कैरी करते हैं, और ऐसा ही कुछ जेरेमी अब भी करते हुए दिख रहे हैं। साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया इन्होंने, मैसिव बहुत हो गए शोल्डर्स की विथ इनकी और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बट वेस्ट को इन्होंने चेंज नहीं होने दिया, उन्होंने टेपर्ड ही रखा है अभी तक। और अभी तो 9 वीक्स बाकी है गाइस, पूरी प्रेप बाकी है और देखो क्या क्या चेंजेस ये करते हैं। बट एरिन के आसपास अभी तो कोई भी नहीं होने वाला, ये तो पक्का है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो सकती है कि जजेस क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दें पूरी तरह से, स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से चेंज कर दें, और फिर एक मोर बैलेंस्ड जो कि इतनी ज्यादा डेवलप्ड बैक कैरी ना कर रहा हो एथलीट उसकी तरफ लीन करें, और फिर एक मोर बैलेंस फिजिक की तरफ लीन करें जो एक इतनी ज्यादा डेवलप्ड बैक के साथ ना हो, और सिर्फ इस सिचुएशन में हम टाइटल चेंज होता हुआ देख सकते हैं, वरना एरिन बैंक्स को लूज करते हुए टाइटल हम इस साल तो बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं। और अब से हर एक शो बहुत ही ज्यादा पैक्ड होने वाला है, और साथ ही हर एक शो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग भी होने वाला है, क्योंकि क्वालिफाई करने की अपॉर्चुनिटीज जितनी कम है, क्वालिफाई करने वाले टॉप के एथलीट्स
की कोशिश है उतनी ही ज्यादा है और ये लिस्ट भी उतनी ही लंबी है। पहले मैं पता लगा था कि दुबई प्रो हो रहा है जहां पर मेंस फिजिक डिवीजन में इमरान खान कम्पीट कर रहे हैं एंड वी ऑल गॉट एक्साइटेड कि चलो शो देखने में बहुत मजा आएगा, इमरान खान कम्पीट करेंगे, देखेंगे वो कम्पीट करके क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं, कवर करने में भी मजा आएगा। बट फिर क्लासिक डिवीजन भी वैसे एक्साइटिंग हो गया क्योंकि सुनने में आया कि ब्रांड चैन कम्पीट कर रहे हैं क्लासिक डिवीजन में क्वालिफाई करने के लिए। फिर खबर आई टेरेंस रफिन की कि टेरेंस रफिन भी पहुंच गए हैं ब्रांड चैन की उम्मीदों पर पानी फेरने विद अ रियली रियली इंप्रूव्ड पैकेज इन एक बहुत ही कंपेलिंग फिजिक के साथ। बट इतना ही नहीं गाइस, वेस्ली विजर्स जिनके बारे में सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेस्ली इटली के या फिर यामामोटो प्रो में कम्पीट करेंगे, बट नहीं, वेस्ली ने भी माइंड चेंज कर लिया। वेस्ली के बारे में भी ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वेस्ली विजर्स हमें कम्पीट करते हुए दिखने वाले हैं दुबई प्रो में और इनके आने के बाद तो ये लाइनअप बिल्कुल ही जबरदस्त हो गया है। बट इतना ही क्यों, एक और सुपर एथलीट माइक सोमरफील्ड उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि वो भी इस दुबई के शो में कम्पीट करने वाले हैं और इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस तो ये तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं क्योंकि लास्ट ईयर के फिफ्थ प्लेसर हैं ये। टॉप फाइव में एंड अप करने की वजह से रिक्वायरमेंट तो इन्हें है भी नहीं क्वालिफाई करने की। बस वही बात है ना गाइस कि प्रेप ऑलमोस्ट सबकी जबरदस्त चल रही है और बोर भी हो रहे होंगे साथ में, तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना उतरा जाए यहाँ पर कम्पीट करने। और वैसे भी जैसे आपको याद होगा आर्नो क्लासिक के टाइम पर निक वॉकर को और बिग रैमी वगैरह को इन्वाइट कराया गया था स्पेशली कम्पीट करने के लिए, प्राइज मनी बढ़ाकर और बहुत सारी चीजें कर करके इन लोगों को बुलाया जा रहा था, कोशिशें करी जा रही थी कि शो एक्साइटेड हो जाए और एक सुपर शो बन जाए। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, अभी कोई इतने ज्यादा एथलीट्स थे नहीं शो के लिए, बट फिर क्लासिक का प्राइज मनी इंक्रीज करके 10,000 से सीधा डबल $20,000 का कर दिया गया और फिर टेरेंस ने तो खुद ही क्लियर कर दिया कि प्राइज मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनके इस डिसीजन को लेने के पीछे। फिर माइक ने भी कुछ ऐसे ही लग रहा है इसी रीजन से कराया और वेस्ली को तो ब्रांड चैन की तरह क्वालिफिकेशन चाहिए। अब गाइस ऑन पेपर वैसे तो टेरेंस सबसे बड़े एथलीट हैं यहाँ पर क्लासिक डिवीजन के, बट अगर हम इंप्रूवमेंट्स के हिसाब से देखें कि जो एथलीट सबसे ज्यादा अपनी प्लेसिंग्स में अप कर पाया है रिसेंट कुछ टाइम्स में तो वो तो यहाँ पर वेस्ली रहेंगे, जबकि टेरेंस अपनी प्लेसिंग्स में फॉल करते हुए हमें दिखे। और माइक और वेस्ली ये दोनों ही जबरदस्त क्लासिक लुक होल्ड करते हैं, जबरदस्त क्लासिक लाइंस होल्ड करते हैं, तो ये देखने में तो बहुत ही इंसेन रहेगा कि चार जबरदस्त क्लासिक फ्रेम्स इस लाइनअप पर और कौन टॉप पर प्लेस करेगा, यहाँ पर विक्ट्री सीमेंट करेगा। वेस्ली है भी इनसेनली इंप्रूव्ड प्लस साइज का एडवांटेज और साथ ही साथ क्लासिक लुक, उसमें तो ये टेरेंस के बिल्कुल ही टक्कर के हैं, जबकि माइक बहुत ही अच्छे पोजर हैं और साथ ही जिस तरह से अपनी फिजिक को प्रेजेंट करते हैं उसके बाद ये कॉम्पिटिशन बहुत ही टक्कर का होने वाला है। तो बॉस ये तो एक बहुत ही एक्साइटिंग शो हो जाएगा अब से और इस शो पर सच में गाइस रमॉन डिनो और रूट्स कैल्सिंस की इन दोनों की ही नजरें टिकी रहेंगी क्योंकि जो भी ये शो जीतेगा वो सीधा सीधा एक सबसे बड़ा चैलेंजर बन जाएगा उर्स और रमॉन की प्लेसिंग के लिए। और नेक्स्ट अपडेट है रफाइल ब्रांडो की और इनको तो आपने पहचाना नहीं होगा या पहचान लिया, वेल गाइस अगर नहीं पहचाना तो इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है क्योंकि आप लोगों ने जिस रफाइल को देखा है जिस रफाइल को जाना है वो है ये पूरी तरह से पील्ड क्लासिक फ्रेम क्लासिक लाइंस के साथ जबरदस्त कंडीशन में आने वाले रफाइल ब्रांडो। और अब ये तो एक पूरा ही बदल गए हैं कि किस कदर मास मास्टर रफाइल बन गए हैं और इनफैक्ट मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि रफाइल का फ्रेम इस तरह से मास गेन कर सकता है। रफाइल इज लुकिंग जस्ट लाइक अ मॉन्स्टर हियर सैमसन डॉडा की तरह बहुत तेजी से और बहुत ही ज्यादा ग्रोथ रफाइल ने प्रेजेंट कर दी है। और अभी तक तो हम एस्थेटिक्स के मामले में एंड्रू जैक की बात करते थे, सैमसन डॉडा की बात करते थे और डायरेक्ट लंसफर्ट की बात करते थे, अभी थोड़ा टाइम और रुको जब इस एडिट साइज के साथ पील होकर रफाइल आएंगे, रफाइल अनाउंस करेंगे एक शो का और फिर वो प्रेप करेंगे श्रेड करेंगे उस एक्स्ट्रा फैट को और वाटर वेट को, तब क्लासिक साइज को होल्ड करने वाले रफाइल उस एस्थेटिक ओपन बॉडी बिल्डर्स की लाइन में बहुत ही आगे प्लेस हो जाएंगे। एक बहुत ही अलग सी फिजिक होगी एंड हिज रिटर्न is going to be a really really interesting one। और next update है 1 week से भी कम time में होने वाले इटली प्रो की और ये latest update है Nathan D'Asha की जिसमें Nathan अपने बिल्कुल ही peeled version बिल्कुल ही depleted से version को present कर रहे हैं and even though feathers वगैरह present पूरी तरह से हो रहा है इनकी separated courts पर, but कई सारे fans और कई सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि Nathan is going to win the show या Nathan ये show जीत सकते हैं, but मुझे guys इस बात में बिल्कुल भी दम नहीं लग रहा है especially जब Regan Grimes जैसी muscle mass के साथ इतना ज्यादा aesthetic frame compete कर रहा हो। Nathan D'Asha के accomplishments उनके अपने and no one can take those from him, but honestly guys ना Nathan उस तरह का size hold करते हैं ना ही उस तरह के aesthetic जो आजकल बहुत ज्यादा demand में है। In fact मुझे तो ये depleted state में भी काफी bloated से लग रहा है, एक weird सा gut present करते हुए, तो maybe I am wrong but मैं तो नहीं समझता कि Nathan इस physique के साथ आज के competitive और aesthetic shape वाले bodybuilders के सामने कोई भी challenge create कर सकते हैं। I hope guys video आपको पसंद आया है तो please like कर दो, channel को subscribe कर दो, notification bell को दबा दो, insta पर follow कर दो। Thank you, bye bye।